28 तारीख को गांधी चौक में जो बनाव बना था, इसमें आप सब जानते हैं कि दो आदमी शंकास्पद मृत्यु पामे थे। इसमें दुखद की बात ये कि कई मीडिया हाउसेस ने इसको लट्टाकांड करके पब्लिसाइज किया और एक आध पॉलिटिकल पार्टी भी इसको अपने फेवर में यूज़ करने का कोशिश किया है। काफ़ी मेहनत करके 4 दिन में इस गुनाह का अंत तक पहुँचे जूनागढ़ पुलिस। इसमें मर्डर डिटेक्ट हुआ है। 3 अक्यूज है प्राइमरीली, एक मरनार रफीक भाई की खुद की बीवी है मोमदा बेन, इसका प्रेमी है आसिफ भाई और इसका दोस्त इमरान भाई। ये तीनों मिलके प्लान करके साइनाइड मंगा के उनको मिलाया था और साइनाइड पीने की वजह से ये मृत्यु हुआ है। ये साइनाइड कहाँ से ले आए उसका अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्होंने काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि ये साइनाइड पिला के इनको मारने के लिए। इनका यही इंटेंशन था कि कोई भी ऐसा चीज़ केमिकल हम मिलाए जिसको इनको हार्ट अटैक आए और ये रफीक भाई गुजर जाए ताकि महमूदा बेन और ये शादी करे आसिफ भाई। इन्होंने जो एक इनके पास एक बॉटल है उसका गाड़ी के अंदर एक दावत की जीरा की सोडा बॉटल था उसके अंदर इन्होंने मिलाया। अभी हमने जो कब्जा किया सैंपल, आप सब जानते क्या कब्जा किया, उसका रिजल्ट क्या आया है। एक दिन पहले दिन रात को इसका गाड़ी जब पार्क किया हुआ था घर पे रफीक भाई का, आसिफ ने रात को उसका ऑटो के पास जो सीट के अंदर सामान रखते हैं वहाँ पे उन्होंने सामान खोल के देखा। पहले भी उन्होंने पानी में मिलाया था, एक वाटर बॉटल में मिलाया था, वो निष्फल रहा था। उसके बाद एक बार उन्होंने अपना बीवी जो है मोमदा बहन को भी घर पे पिलाने के लिए दिया था, तब भी वो निष्फल गया है। तीसरी बार उन्होंने अपना गाड़ी के अंदर एक बॉटल उनको दिखा था जीरा दावत की बॉटल, उसके अंदर ये जहरी दवा मिलाया। जो बच गया है वापस साइनाइड वो गाड़ी में जो पड़ा था ये पी के गिर जाने के बाद रफीक भाई जॉन ने उसको पिया था, तुरंत उसका भी मृत्यु हुआ है। लगभग अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमको पता लगा कि 1 साल से इनका अफेयर चल रहा है और पिछले 6 महीने से इनका शादी करने का प्लानिंग चल रहा है। हाँ, इनका हिस्ट्री अभी चेक करना बाकी है और इसमें और भी नाम सामने आने का संभावना है जो इनको साइनाइड प्रोक्योर करने में मदद किया। जब भी नाम सामने आएंगे दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको और डिटेल्स में रिवील करूंगा।